कराची किंग्स को शिकस्त देकर पिशावर जलमी पीएसएल फाइनल में पहुंच गई। दिफाई चैंपियन ने पहले खेलते हुए 16 ओवर में 170 रन बनाए। कामरान अकमल की तेज तरीन 50 किंग्स टारगेट तक ना पहुंच सकी। 13 रन दूरी पर हिम्मत हार गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मैच देखा। कामरान अकमल का लाठी चार्ज, कराची किंग्स के उस्मान खान, रवि बपारा, उसामा वीर और दानिश अजीज की जमकर पिटाई। सिर्फ 27 गेंदों पर 77 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। शानदार बैटिंग पर कामरान अकमल मैन ऑफ द मैच करार पाए। पेशावर जलमी के कप्तान डेरिन सेमी टीम की जीत पर खुश, कहा फतह का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों और कामरान अकमल को जाता है। पाकिस्तान में क्रिकेट के बड़े शायकीन हैं। उधर कराची किंग्स के कोच मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शनिवारी के एक ओवर से कामरान अकमल रिदम में आए और फिर उनको रोकना मुश्किल हो गया। मेरा तो किसी इदारे से कुछ लेना देना नहीं, सारा मामला ही काला लगता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं कारकर्दगी के बावजूद ईसीएल में नाम डालने की सिफारिश की जाती है। शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस के समात नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में पेश। जीआईटी सरबराह वाजिद ज़िया अपना बयान जारी रखेंगे। जाली मुकाबले में नकीबुल्ला समेत 4 अफराद के कत्ल का इल्जाम, कराची के डॉन राव अनवार को आज एटीसी में पेश किया जाएगा। मुलजिम से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नकीबुल्ला कत्ल केस का हतमी चालान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जा चुका है। आशियाना इकबाल स्कैंडल, नैब की कार्रवाइयां तेज, ख्वाजा बरादरान की भी आज तलबी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक नैब लाहौर में पेश होंगे। ख्वाजा साद रफीक से पैरागॉन सिटी से मुतालिक तफ्तीश होगी। अमरीका में तायुनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को भी नैब ने आज तलब कर रखा है। कोयटा बड़ी तबाही से बस गया। कच्छ मोर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग, खुदकुश हमलावर मारा गया। शक पर खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर अहलकारों ने फायरिंग कर दी। पीडीएस अमले ने खुदकुश जैकेट नाकारा बना दी। अमरीकी फौजियों को पाकिस्तानी हदूद में जाने का कोई इख्तियार हासिल नहीं। तर्जुमान पेंटागन लेफ्टिनेंट कर्नल माइक एंड्रयूज कहते हैं शिद्दत पसंदों के ताकुब में अमरीकी फोर्सेस बैन-उल-अक़वामी सरहद उबूर नहीं करेंगी। अमरीकी फौजी हुकाम सिर्फ अफगानिस्तान की सरहद के अंदर मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में कोई शिद्दत पसंद है तो उनसे निमटना पाकिस्तानी हुकाम का काम है। जमीन के लालच ने इंसान को हैवान बना दिया। फिरोजवाला में मामू ने 4 साल भांजे को गला दबाकर कत्ल कर दिया, लाश नाले में फेंक दी, खुद ही तस्वीर उठाकर एहतजाज का ड्रामा भी करता रहा। शक होने पर तफ्तीश की तो सारे पोल खोल दिए। मुलजिम बहन की 2 एकड़ जमीन पर कब्जा करना चाहता था। आयरलैंड में मकीम 2 पाकिस्तानियों पर आयरिश अफराद के हमले, लाहौर का बिलाल और सियालकोट का नदीम शदीद जख्मी, हमलावर फरार, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आयरलैंड में मकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्सा। अमरीका के शिमाल मशरिकी रियासतों में
अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतों में रवां माह में चौथा बड़ा तूफान, निजाम जिंदगी दरहम बरहम, कई तालीमी इदारे बंद, फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क तक 12 से 18 इंच तक बर्फबारी, सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर। शदीद बर्फबारी में अमरीकियों ने तफरीह का बहाना ढूंढ लिया। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन में हुई अनोखी जंग, शहरियों के बर्फ के गोलों से एक दूसरे पर खूब हमले, सख्त सर्दी की परवाह किए बगैर सैकड़ों अफराद इस अनोखी लड़ाई में शरीक। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का दिन मनाया जा रहा है। दौरे जदीद में भी 85% पाकिस्तानी पीने के साफ पानी से महरूम। पाकिस्तान में हर साल 52,000 बच्चे हैजा, साल और दीगर बीमारियों में जाँ बहक हो जाते हैं।